वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सिनर्जी टेक में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी पे बेस है। अभी मैं आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के सिलसिले में बात करूंगा। अभी तक अपन ने दो लॉ पढ़े, एक तो हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ के क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुके हैं कुछ इंटेक्स्ट के क्वेश्चन, पर आज मैं आपको रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ के एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं, पर उसके पहले अगर आपको हेनरी लॉ या रॉल्स लॉ रिवाइज करना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। वैसे फार्मूला तो मैं आपको बता ही दूंगा कि फार्मूला क्या यूज आने वाला है, पर डिटेल कंसेप्ट के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये करते हैं पहला क्वेश्चन। हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द मोलिलिटी ऑफ मिथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज दिस। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ मिथेन बेंजीन एट 298 अंडर 760 mm ऑफ Hg। अब देखो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को रीड करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि आपने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो है आपका बेंजीन, ठीक है, उसमें आपने ऐड किया है मिथेन। क्या ऐड किया आपने? मिथेन उसमें ऐड किया है, ठीक है, मिथेन इन बेंजीन। तो पता चल रहा है यहाँ पे सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है और ये आपका बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो ये सॉल्यूशन हो रहा, ये सॉल्यूशन बना, अरे वो किस कंडीशन में बनाया? कंडीशन है आपकी 298 केल्विन तो आपका टेम्परेचर है और 760 एम एम ऑफ एच जी आपका प्रेशर है। ये कुछ नहीं, ये आपका 180 प्रेशर ही है, पर अपन 180 में नहीं लेंगे, जो डेटा गिवन है अपन उसी फॉर्म में लेंगे ताकि आपके कैलकुलेशन में और आंसर में प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक्चुअली ओपन कंटेनर है और एटमोस्फेरिक कंडीशन में इसने ये सब लिया है। और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब आपको याद हो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है KH, KH की वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट में। KH कितना गिवन है आपको? 4.27 × 10⁵ mm of Hg, ठीक है। अब आपको याद हो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या बोलता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका आएगा? मिथेन का आएगा, बेंजीन का आएगा। सॉलिड कौन है? मिथेन है, तो मोल फ्रैक्शन आएगा मिथेन का, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको जब हम प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो आता है KH इंटू XA लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब KH की वैल्यू गिवन है, प्रेशर जो हुआ आपका रिजल्टेंट आया है वो गिवन है, और आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है फॉर द इसके लिए मिथेन के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द सॉलिडिटी ऑफ मिथेन, तो आपको XA निकालना है कि XA का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो पी के वैल्यू गिवन है आपको 760 एम एम ऑफ एच जी, के एच की वैल्यू गिवन है आपको 4.27 × 10⁵ एम एम ऑफ एच जी इंटू एक्स ऑफ मिथेन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप एम एम ऑफ एच जी से यूनिट कैंसिल, अब आपको एक्स निकालना है, एक्स ऑफ मिथेन, ये आपका हो जाएगा 760 डिवाइड बाय 4.27 × 10⁵, ठीक है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 177.9 × 10⁵-5 आएगा, ठीक है। मतलब 180 प्रेशर पे इस बेंजीन के सॉल्यूशन के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी होगी इतनी कम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो होता है आप, अब मोलिलिटी देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलिलिटी ऑफ मिथेन इन बेंजीन एट दिस, ठीक है। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ मिथेन, तो देखा जाए तो मतलब सॉल्यूशन में जो आपका मिथेन का पार्ट है वो इतना आएगा, ठीक है। तो इजीली अपन फाइंड कर लिया अपन ने, अपन को कोई प्रॉब्लम खास आई नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का अनसॉल्व एग्जाम्पल है, अनसॉल्व एक्सरसाइज का 2.35, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ रॉल्स लॉ का। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ पेंटेन एंड 1400 ग्राम ऑफ हेप्टेन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर ऑफ एन हेप्टेन एंड हेप्टेन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो वही सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है आपका? दो पार्ट है, एक पार्ट ये एन मतलब होता है नॉर्मल, मतलब लॉन्ग चेन है इसकी, ठीक है। एक तो है पेंटेन, पेंटेन मतलब C5H12, और एक है हेप्टेन, वो होता है C7H16, ठीक है। ये आपका है पेंटेन, ये आपका है हेप्टेन। अब आपने पेंटेन का मास ले रखा है 252 ग्राम और हेप्टेन का मास आपने ले रखा है 1400 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत? 252 ग्राम है,
1400 ग्राम, और आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है। इसका मतलब अब आप इसको ए मान लो कैलकुलेशन में और इसको बी मान लो, ठीक है। तो आपको पी ए नॉट प्योर स्टेट का प्रेशर दे रखा है आपको 420 mm of Hg, और पी बी नॉट आपको दे रखा है मतलब वेपर प्रेशर इसका 36 mm of Hg। यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि सब में सेम यूनिट चल रहा है। अब आपको क्या निकालना है, जो मिक्सचर बना इसका, मिक्सचर बना इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना आएगा। तो आपको फॉर्मूला याद हो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पी एस होता है अपना पी ए प्लस पी बी भाई वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। पर अब इसका फॉर्मूला अगर हमने इवेल्यूएट करके लिखे एक्सप्लेन करें तो पी होता है मेरा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट मेरा गिवन है 420, पी बी नॉट गिवन है मेरा 36। अब आपको एक्स ए और एक्स बी फाइंड करना है। एक्स ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए क्या है आपका पेंटेन, तो इसमें क्या आएगा मोल्स ऑफ पेंटेन अपन मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालने पड़ेंगे अपन को। तो मोल्स ऑफ पेंटेन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, उसके गिवन वेट को पेंटेन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। पेंटेन का वेट कितना होगा, 12 × 5 = 60 और मैं 12 ऐड करूंगा तो हो जाएगा इसका 72, और ये कितना हो जाएगा हेप्टेन का 12 × 7 = 84, 84 और 16 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास मोल हो जाएगा 1400 बाय वेट हो जाएगा उसका 100। आई थिंक सिंपल है कैलकुलेशन, दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से आप इजीली मोल निकाल लोगे। अब मोल आप फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके तो ये मिलेगा आपको 3.5 और ये तो सीधा 14 मिल ही रहा है आपको, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 3.5 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 17.5। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये आपको मिलेगा देखो ये 5 times आ रहा है, 1/5 होता है 0.2। अगर एक्स से मेरा 0.2 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा मेरा 1 - x से, तो ये हो जाएगा मेरा 0.8, ठीक है। अब आपके पास पी ए नॉट है एक्स है पी बी नॉट है एक्स पी है, आपको पी एस निकालना है। तो सिंपल आप रॉल्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर लो, पी एस हो जाएगा मेरा 420 × 0.2 प्लस 36 × 0.8। सॉल्व करें इसको, इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो 84 प्लस ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो ये जाएगा 36 × 4 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 28.8, ठीक है। इसको ऐड करो कितना आएगा, 84 + 28.8 ऐड करने में लगेगा आपको 112.8, 112.8 यूनिट आ जाएगा इसका mm of Hg। तो ये आपका सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया जब दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है रॉल्स लॉ का, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे ये डेटा गिवन है, ये डेटा फाइंड करना, और ये चारों डेटा गिवन है, किसी क्वेश्चन में ये गिवन होगा और इसमें से कोई एक अननोन होगा तो वो भी फाइंड कर सकते हैं अपन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 2.36 है, अनसॉल्वड एक्सरसाइज का। देखो पढ़ते हैं इसमें, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है मोलर मास 140 वाज डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, उसका मोलर मास 180। द वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड बी का दे रखा है आपको 500 torr, और पूछा है वेपर प्रेशर निकालो लिक्विड प्योर लिक्विड ए का और वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 475। देखो रीड आउट कर लो क्वेश्चन को अच्छे से, अब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आपके ए और बी सॉल्यूशन के दो पार्ट है, ठीक है। ए का मास है 100 ग्राम, इसका मास है 1000 ग्राम, इसका मोलर मास है आपके पास 140 और इसका मोलर मास है 180, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दे रखा है, पी पी नॉट दे रखा है, मतलब बी का प्योर स्टेट में प्रेशर वो दे रखा है आपको 500 torr, ठीक है, और पूछा है पी ए नॉट, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है, और पूछा है वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, है ना, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, मतलब आपको पी एस दे रखा है कितना 475 दे रखा है टॉर में, तो आई थिंक निकल जाएगा इजीली। पहले आप क्या करो, मोल निकालो ए और बी का, तो अपन निकालते हैं मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए कितना निकलेगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 140, और मोल ऑफ बी निकलेगा आपका गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट दैट इज 180। अब अपन मोल फ्रैक्शन निकाल ले, एक्स से आपका हो जाएगा
n प्लस एन भी होता है 1000/180। इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 0.113। अगर x से मेरा 0.113 है तो x भी कितना हो जाएगा मेरा 1 - 0.113, दैट इज 0.886। ठीक हो गया। अब सिंपल आपको उसका फॉर्मूला यूज करना है किसका, रॉड्स का। तो वो होता है मेरा पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी एस मेरे दे रखा है 475, पी ए नॉट मुझसे पूछा है, एक्स ए मुझे पता है 0.113 है मेरा, और पी बी नॉट मेरा है 500, एक्स बी होगा 0.886। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और डिवाइड कर दो 0.413 से, तो आपको यहाँ पी ए नॉट की वैल्यू मिलेगी, ये आपको मिलेगा 28.3 मिलेगा आपको, ये 28.3 नहीं सॉरी सॉरी, इसको कैलकुलेट करो आप दोबारा अच्छे से, ये मिलेगा आपको 283, तो मिलेगा 283 mm of Hg। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ फॉर्मूले आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, आपने बेंजीन लिया टॉलिन लिया दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बनेगा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। अब वहां पे इन बेंजीन और टॉलिन के प्योर स्टेट का प्रेशर दे रखा है आपको 50.71 and 32.06। आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस इफ 80 ग्राम बेंजीन मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टॉलिन। देखो अब क्या लिया, आपको बेंजीन लिया है, आपने बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, बेंजीन का मास लिया आपने 80 ग्राम, इसका मास लिया आपने 100 ग्राम। ठीक है, इसका बन जाएगा सॉल्यूशन, और इसका आपको दे रखा है प्योर स्टेट का प्रेशर। मतलब अब यहाँ पे इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ताकि पी ए नॉट मेरा हो जाएगा 50.71 mm of Hg, और पी बी नॉट मेरा हो जाएगा 32.06 mm of Hg। अभी आपके पी और पी बी नॉट हो गए। अब आपको जब सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ सॉल्यूशन का प्रेशर तो पूछा नहीं है, पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो पहले ही आपको सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर आता है पहले आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होता है, वो होता है पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, वेयर एक्स ए और एक्स पी क्या है आपके मोल फ्रैक्शन, और पी ए नॉट है प्योर स्टेट में ए का प्रेशर, प्योर स्टेट में बी का प्रेशर। तो पी ए नॉट पी बी नॉट आपको फाइंड यहाँ पे गिवन है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे एक्स ए और एक्स पी। तो एक्स ए क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन, तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा, पहले मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो, 80/78 होता है बेंजीन का मास, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H6, है ना। और टॉलिन क्या होता है, टॉलिन होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये होता है। तो इसका मास आएगा जब कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे 6 कार्बन 7 कार्बन तो है, 5 हाइड्रोजन और 3 है, तो इसका मास आपके पास आएगा 92। तो इसका मोल हो जाएगा 100/92। ये वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे कैलकुलेट होके 1.02, और ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.08। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो एक्स ए हो जाएगा आपके पास एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलेगा, मोल फ्रैक्शन मिलेगा आपको 0.486। अगर एक्स ए 0.486 है तो एक्स पी कितना हो जाएगा 1 - xA, तो ये आपका हो जाएगा 0.514। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू तो आपको यहाँ पुट करनी है पी एस निकालने के लिए। तो पी ए नॉट आपको पता है 50.71 × 0.486 प्लस पी बी नॉट है आपके पास 32.06 × xP क्या आपके पास 0.514। ये आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 41.12 mm of Hg। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में। ये जो प्रेशर आया है ये सॉल्यूशन का है, ये जो प्रेशर है ये प्योर स्टेट का है, पर आपको वेपर फेस में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो उसका फॉर्मूला होगा, इसको ले लेते हैं वाई ए,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्योंकि ए मैंने बेंजीन माना है, तो ये होता है प्रेशर ऑफ बेंजीन दैट इज पी ए अपॉन टोटल प्रेशर दैट इज पी एस। पी ए की वैल्यू है आपके पास पी ए नॉट एक्स ए और अपॉन पी एस, पी ए नॉट एक्स ए ये रहा आपके पास, ये हो जाएगा 50.71 इंटू 0.486 अपॉन 41.12, ठीक है हो जाएगा। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको मिलेगा 0.59 के अराउंड, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज। देखो ये जो प्रेशर आया सॉल्यूशन का है, ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन टोलुइन का मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ ए अपॉन सॉल्यूशन का प्रेशर, ए का प्रेशर कितना आया पी ए नॉट एक्स से अपॉन सॉल्यूशन का प्रेशर, तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेंजीन। अगर इसी तरह से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन निकालना होता तो आप लिखते हैं वाई बी पी बी अपॉन पी एस, ठीक है पी बी अपॉन पी एस, और पी बी की वैल्यू अपन आप क्या लेते हैं यहाँ पे पी बी की वैल्यू लेते हैं आप पी बी नॉट इंटू एक्स पी, तो वहां से वो भी फाइंड हो जाता। तो ये थे आपके सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे। अब आगे मिलेंगे और कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।